हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सपोर्ट करिएगा, एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर मेरी रेसिपी आप फुल वॉच करेंगे तो देखिएगा, आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी ज़रा सी भी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर हम आप चाहते हैं मैं इस तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी सिंपल और टेस्टी रेसिपी लेके आती रहूं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करिए। आइए तो बनाते हैं। पहले देखिए, आप लोग टेस्ट कर लीजिए। पहले सबसे पहले आप लोगों को खिलाते हैं। ये मैंने आम का मुरब्बा है, मैंने बनाया था तो थोड़ा सा आम में रख लिया था, बच्चों को बहुत पसंद है वो भी। देखिए इधर मैंने ले लिया कद्दू, पूरी तरह से कच्चा नहीं है, हल्का सा पका है तो मैंने छिलका उतार लिया है दोस्तों। इधर मैंने कट कर लिया है, धुल के रख लिया है इसको छोटे छोटे पीसेस में। इधर तीन ले लिए लहसुन की कलियाँ, एक ले लिया है प्याज। इधर हम ले लेंगे सूखे मसाले खड़े, जो हम मेथी दाना, जीरा और लाल सूखी मिर्चा है, तीन दो जो भी आप लेना चाहे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इधर हाफ टी स्पून मैंने ले लिए हींग। इधर मैंने ले लिया है ड्राई मैंगो पाउडर जो आता है सूखा। इधर इमली की चटनी भी कह सकते हैं आप, जो भी कहिए, खट्टी मीठी है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है दोस्तों इसका, कद्दू में टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं ये अक्सर रखती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इमली भी डाल सकते हैं और गुड़ डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं मीठे के लिए। अगर मीठा नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप गुड़ और चीनी डालें, ऐसा भी बना सकते हैं खट्टा भी। तो मुझे, मेरे बच्चों को खट्टा मीठा पसंद है, घर में सभी को अच्छा लगता है तो मैंने इसे बनाया ऐसा। इधर मैंने सारे जो खड़े प्याज था और लहसुन था मैंने कट कर लिया है, बाकी इधर कुकर में बनाएंगे दोस्तों। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, ऑप्शन दोनों हैं। कढ़ाई में भी बनाएंगे तब भी अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं कि कढ़ाई में अच्छा नहीं बनेगा। मैंने झटपट वाला आपको बताया ना कि झटपट बना वाला जो कद्दू है फटाफट एक सीटी में बन जाए। तेल में मैंने डाला है जितने मसाले सूखे थे, मेथी दाना, जीरा, हींग, खड़ी लाल मिर्चा डाल के मैंने हल्का सा जैसे क्रैकल हो वैसे ही डाल देना है लहसुन। फिर डालना है प्याज, मैंने प्याज का कलर जैसे ही ट्रांसलूसेंट होता है हल्का सा चेंज हो जाए, ज़्यादा नहीं, इसी में हम डाल देंगे हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, जो भी मसाला आप मसालों को आप सब्जी में प्रयोग करते हैं, हालांकि सारे मसाले डाले जाते हैं। कभी कभी कद्दू अगर आप सिंपल बनाना चाहें तो हल्दी ना डालें तभी चल जाती है, खाली धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च हल्की सी डालें, लाल मिर्च ना भी डालें, खड़ी मिर्च डालिए, उसी से भी काम चलता है। अगर बच्चे ना खाना पसंद करें तब भी बहुत अच्छा बनता है, बहुत 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 सिंपल और टेस्टी बनता है। तो मैंने इधर हल्दी मसाले डालने के बाद उनको भून के मैंने डाल दिया है कद्दू। कद्दू डालने के बाद हम इसको मिला लेंगे, हिला लेंगे। मेरी तरह दोस्तों मत करिएगा, क्योंकि मुझे तो आदत है कुकर को यूँ पलटना मटला, लेकिन प्लीज़ ऐसा आप ना करिएगा, हाथ से कुकर छूट भी सकता है। इधर मैंने दिखाया आपको, थोड़ा सा इसमें से एक चम्मच के करीब डालेंगे पेस्ट, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस खट्टा मीठा टेस्ट आ जाए। अगर आप डालना चाहें डालिए, मैंने कहा स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है डालिए। आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, आपके पास सूखी खटाई हो, इमली हो, जो आप डालना चाहें, आपके पास बहुत ऑप्शन है। मेरे पास भी थे लेकिन मैं बच्चों के लिए जैसे बच्चों को पसंद है उस तरह से मैंने बनाया है। इधर मैंने आटा ले लिया आधा के जी, आधा के जी आटे में मैंने अजवाइन ले लिए, हाथ से अच्छे से मसल लिया है इधर, और जो आटे में आप जीरा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, हल्दी, मिर्च, मसाला, जैसे आपको पूरी पसंद है उस तरह से आप डाल सकते हैं। तो मैंने इधर कसूरी मेथी हाथ में हाथ से मसल के रगड़ के डाल दी, नमक भी डाल दिया है हल्का सा, और इधर एक चम्मच डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, आप घी भी डाल सकते हैं एक चम्मच, लेकिन मैंने हल्का सा ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा डाला है बस। इसका डो लगा लेंगे, इसका डो हम लगाएंगे टाइट थोड़ा सा, पूड़ी का सॉफ्ट नहीं लगाएंगे, ताकि पूड़ी हमारी अच्छी मतलब टेस्ट एकदम हलवाई जैसा, खस्ता जैसा होती है इस तरह से आए, खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है इससे। देखिए कद्दू हमारा बनके तैयार है दोस्तों,
इसको उतार लेंगे, बंद कर दिए मैंने गैस। आप इसको पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं, हल्का हल्का, मैंने चमचे से ही इसको दबा दिया है। गैस को थोड़ा सा और ऑन करके पानी भी इसका थोड़ा सा सुखाएंगे, हल्का सा, पानी अभी ज़्यादा है ना इसमें, क्योंकि कद्दू का खुद पानी छूटता है, सब्जियों का, हरी सब्जियों में पानी लगाने की जरूरत नहीं होती है। कुकर में बनाई है तो, अगर कढ़ाई में बनाई होती तो पानी अभी तक सूख गया होता। ये देखिए, अब इसको पोटैटो मैशर से अगर मैश कर दे, बच्चे मेरे मैश किया हुआ नहीं खाते हैं दोस्तों, तो मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है, लेकिन मैश करने के बाद कद्दू ज़्यादा टेस्टी लगता है। धनिया से कर लेंगे गार्निश इसको। इधर मैंने सेकी कढ़ाई ले ली है, तेल डाल दिया इसमें, सरसों का तेल है दोस्तों, इसमें मैंने पूरी सेकना स्टार्ट कर दिया है। आप पराठा भी बना सकते हैं उस आटे का, रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन रोटी से अच्छी पूरी से ही अच्छा लगता है, टेस्ट आता है कद्दू में, कद्दू का टेस्ट बढ़ जाता है दोस्तों। आइए, तो मैंने थाली लगा ली आप लोगों के लिए, आप लोग टेस्ट कर लीजिए, बहुत यम्मी बना था, बहुत टेस्टी बना था। बच्चे कद्दू नहीं खाते हैं, लेकिन ये जब इस तरह से मैं बनाती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं पूड़ी के साथ, बहुत मन से खाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप बनाइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, और मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़ दोस्तों, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हालांकि बच्चे जब होते हैं बड़े ही सहारा देते हैं, तो आप मेरे फ्रेंड दोस्त सब कुछ हो, आप मेरी फैमिली हो दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। एंड ओके, बाय बाय, थैंक यू।